नैनीताल 47 किलोमीटर हो गए, पूरी रात नहीं सोए। कल रात को ही प्रोग्राम बना, हमारा पहला स्टॉप आ चुका है। मिठाई बहुत ही ज्यादा फेमस है, मैगी वैगी खाएंगे। राघव की मार्केट है। उत्तराखंड पुलिस, क्या कर रहे हो आप लोग? लुकू से हेलो टू एवरीवन। सुंदर गाँव का नजारा। आयरा सिंह रावत। सो यस, आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल ट्रिप के लिए। कल रात को ही प्रोग्राम बना और अभी हो रहे हैं 4 o'clock, सो हम लोग निकल रहे हैं। एंड यस, चलो शुरू करते हैं, फिर चलते हैं नैनीताल। 5:30 हो चुके हैं, हम जा रहे हैं जल चढ़ाने। आज है मंडे और देखो कितना सुबह कितना अच्छा लग रहा है ना, खाली खाली पूरा। ऐसे पता है, ऐसे वाला सुबह वाला मौसम देखते ना, हाँ लगता है उतना चाहिए इस टाइम वॉक करे, कितना अच्छा लगता है। चलो ये तो आप मजाक कर रहे हो, ये खत्म करते हैं। हाँ, और इसके बाद हम सीधा निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। एक्चुअली हम मतलब पूरी फैमिली ट्रिप जा रहे थे, जो हमारे साथ वाले फैमिली के लोग है वो लेट हो गए। हम एक घंटा हो गया ना वेट करते हुए, डेढ़ घंटा हो गया। हम एक्चुअली डेढ़ घंटे से वेट कर रहे हैं, हम 4 o'clock रेडी थे पूरा। आज लगा हुआ है यहाँ पे लॉक, ये लॉक लगा हुआ है और हम लोग यहाँ से कूद के गए हैं क्योंकि मंदिर खुलता है 6 बजे। हमने बोला पूजा तो करके ही जानी है। यस, वेरी गुड रो, वेरी गुड। तो ऐसे हम जा रहे हैं मंदिर से और हमारा मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर है। अब चलते हैं बाहर। सो हमारा पहला स्टॉप आ चुका है शिवा ढाबा और अभी हम यहाँ से करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। अभी कितना टाइम हो चुका है? टाइम हो रहा है 7 बजे, करेक्ट 7 o'clock हो चुके हैं और हमें निकले हुए 1 घंटा हुआ। सो मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए आलू का पराठा एंड सब लोगों ने डोसा वगैरह खाया एंड लास्ट में मैंने ट्राई की वहाँ की कॉफी, बहुत यम्मी थी। एंड देन सो हम लोग पहुँच गए कुंदन्स और यहाँ की मिठाई बहुत ही ज्यादा फेमस है। अभी हमने गाड़ी लगा ली है यहाँ पे। ये हमारा दूसरा हॉल्ट आ गया है, हम ब्रेकफास्ट के लिए उतरे थे। अभी यहाँ पे बहुत फेमस मिठाई की दुकान है तो घर वालों को वो खाने थी, उसके लिए उतर गए हैं। अभी देखते हैं कि आज तो हम पता नहीं किस टाइम नैनीताल। नैनीताल 47 किलोमीटर, हमने बीच में ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट के लिए एंड देन एक बहुत स्पेशल मिठाई खाई थी। हम लोग निकलने वाले थे सुबह 4 बजे बट भाभी सच सच बताओ कौन रेडी नहीं हुआ। फिर देखो पहाड़ी चिकन। ये चिकन देख देख के पागल हो जा रहे रास्ते में। हमें 4 बजे निकलना था और हम घर से निकले 6 o'clock निकले ना, फाइनली जाके 6 o'clock जाके हम घर से निकले। इतने लेट हो गए, पूरी रात नहीं सोए, मैं और वो तो पूरी रात नहीं सोए हैं। लेट से हमने पैकिंग वैकिंग की एंड देन रात को ही हम अपने नहाकर सो गए थे, मतलब सोए क्या, लेट गए थे। 12 बजे के बाद ही हमने नहा लिया था बहुत, और अब 6 बजे जाके निकले। अभी देखो 1 o'clock होने वाले हैं, कब तक पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट 1 hour और रह गया अभी। ये कौन फोन कर रहा है? वो हवा भरवाने ना, ये कौन फोन कर रहा है ऐसे? थे जाके शार लिया, अच्छे से रेडी हो गए, निकल गए घूमने के लिए। सो हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल चुके। अभी हम लोग जा रहे हैं नैनीताल के मेन मॉल रोड पे, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मैगी वैगी खाएंगे। आके हमने जहाँ हमने स्टेकेशन लिया हुआ था वहाँ पे अच्छे से रेस्ट किया और लंच वगैरह बनाया क्योंकि वहाँ पे हम लाइक खुद कुक कर सकते हैं और हमारा इस बार ऐसा ही मन था कि हम खुद से कुक करें, इसलिए हमने ऐसी जगह देखी। क्योंकि हम सारा सामान ग्रोसरी कैरी करके लेके आए थे अपने साथ में और अच्छे से हमने पुलाव बनाए खाए, थोड़ी रेस्ट किया एंड देन अब निकल चुके हैं अच्छे से। आप सबको अपने साथ दिखाते हैं नैनीताल। सो जिस मार्केट से हम चल रहे हैं, ये पूरी रावतों की मार्केट है और बाबा मेरे दादाजी ने कभी बताया नहीं कि यहाँ पे मार्केट लेके डाल रखी है उन्होंने। काफी अच्छा लगा आज अपनी पुरानी चीजों को देखकर। आते रहेंगे अब यहाँ पे, पर ये भट्ट गारमेंट्स क्यों लिखा है? फिलहाल यहाँ का नजारा है कुछ ऐसा, ये हमें आगे नहीं जाने दे रहे, ये जाने दे रहे हैं। ये रास्ता जाता है नैनीताल की तरफ और ये नीचे से बोल रहे हैं यहाँ से जाओ, कुछ टैक्सी वैक्सी करो। हम अपनी गाड़ी क्यों लेके आए, फिर क्या फायदा। अभी हम नीचे से आए हैं जहाँ हमने स्टेशन लिया हुआ है और ये उत्तराखंड पुलिस, क्या कर रहे हो आप लोग, जाने दो हमें।
और रीजन भी नहीं बता रहे हैं कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, और आधे लोगों को जाने दे रहे हैं, उनसे कोने में जाके बात कर रहे हैं और निकलने दे रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। अभी हम इस व्यू के साथ बैठकर यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और यहाँ नीचे खाई है, और वहाँ सामने से हम लोग आए हैं, बिल्कुल वहाँ सामने से। और इस बार हमारे साथ आया डुक्कू। डुक्कू से हेलो टू एवरीवन, पीछे मत गिर जाना हवा के झोंके से। एंड डुक्कू अभी खाई में गिर जाता, पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं, क्या सीन चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। 45 मिनट्स हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, लेट्स सी क्या होने वाला। भोकाल टाइट हो चुका है बहुत तगड़ा, बस जाके वहाँ पे बात करी और अब हम वहाँ से निकल रहे हैं। चलो भाई निकलते हुए दिखाओ, पता लगा लोग बोलेंगे कि ऐसे तो वीडियो नहीं बना दी, बहुत तगड़ा भोकाल टाइट हुआ आज, तो यहाँ से ब्लॉग लेते हुए चलो। वेलकम टू नैनीताल, फाइनली क्रॉस कर लिया है। चलो भाई हर हर चलो भाई चलते हम नैनीताल मॉल रोड। यहाँ से आ गए, सुंदर सुंदर गाँव का नजारा, नैनीताल के पहाड़ियों के नीचे बहुत सुंदर सुंदर गाँव है वो देखते हुए अब हम निकल चुके हैं मॉल रोड के लिए। और ये रास्ता इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ बट वर्थ इट है। चलो चलते हैं मॉल रोड की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे का नजारा। बस सीधे हम उतर के आ चुके हैं एक जगह पे, सेल्फी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। हल्की हल्की ठंड हो गई और मैंने पूरा प्रॉपर जैकेट पहना हुआ है, तो यहाँ से देखते हैं। ऐसे ही नज़ारे एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए मॉल रोड के पास, और वहाँ पे एक्चुअली इस एरिया को बोलेंगे प्रॉपर सिटी वाला एरिया, जो प्रॉपर पॉश एरिया होता है। और ये जो चर्च है काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ है और जो बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था। एंड देन हमने ये लेक देखी, जितनी भी हमारी थकावट थी वो सारी उतर गई इसे देख के, इतनी फ्रेश एयर आ रही थी, शाम का टाइम था, बहुत इंजॉय किया। सो हम लोग पहुँच गए हैं मॉल रोड फाइनली, बस फटाफट अपनी गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेक में इतनी ठंडी ठंडी हवा रही है, हल्का सा मौसम यहाँ पे ठंडा हो चला है, लेकिन अब जो मजा आने वाला है ना घूमने में, आई गेस अभी बोटिंग बंद हो गई होंगी वो, लेकिन हम कल कर लेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का नजारा। अब तक का तो एक्सपीरियंस जो हम गाड़ी में चले बहुत अच्छा है, बाकी नीचे उतर के पता चलेगा, और रश बहुत ज्यादा है इसलिए गाड़ियों को। ये एक नॉर्मल मार्केट लगाई हुई थी, ये सारी लेडीज ने लगाई हुई थी मार्केट, जहाँ पे छोटे जैसे स्कार्फ्स वगैरह हो गए और ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही थी, जो अब ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है। 400 के गुल्लक है, बहुत महंगे नहीं लगा रहे हो इसे? अरे भैया गुल्लक हमको महंगा ही पड़ा है। अच्छा खुद बनाते हो आप? खुद बनाते हैं। अरे वाह, ये दिखाना। और ये चाय की केतली, वाह काफी प्यारी लग रही है। ये कितने की? और औसम भाभी, अपनी भाभी के लिए ले लूं? 750 की बहुत महंगी है, छोड़ो। और बाकी ये डेकोरेशन के यहाँ पे सामान है, ये सब कुछ हाथ से बनाया हुआ है? अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आप तो पूरे दिन दुकान पे होते, बनाता कौन है? पूरे दिन दुकान पे होते, बनाता कौन है? अच्छा पहले बना के पूरा रख लिया है, बहुत अच्छा, चलो बढ़िया है। ये सारा आपका काम तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी यूनिक काम किया हुआ है। अच्छा ओके, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, नाइस। अच्छा ये सब हाथ से, कपड़े का भी हाथ से बनाया हुआ है? कपड़े का भी हाथ से। अरे वाव बहुत अच्छा, दिखाना। अरे वाव दीदी बना हुआ है, इन्होंने कप्स भी बनाए हुए हैं, पहाड़न रंगीलो कुमाओं और काफी कुछ वहाँ पे अच्छी अच्छी सीनरीज भी बनाई हुई है, हाथ से ही पेंट किया हुआ है। हमें काफी टाइम लग गया है यहाँ पे पहुँचने में, मॉल रोड ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, काफी शॉप बंद हो चुकी है। अभी देखते हैं, खाने पीने की तो खैर लेट तक खुली होती है, लेकिन यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा देर ओपन नहीं रखते हैं, बंद कर देते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हमारी गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है और निकलते हैं। मैंने वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, ये जो आप एरिया देख रहे हैं बेसिकली ये रिक्शे वालों के लिए, कि वो यहाँ पे सो सकते हैं, अपना रिक्शा चला सकते हैं, यहीं पे रेस्ट कर सकते हैं, एंड ये बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है। आप लोगों को रश दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा रश है यहाँ मॉल रोड पे। वेट अ मिनट, ऐसा लग रहा है सब लोग अपने घर से निकल के ना घूमने निकल गए, सब नैनीताल आ गए, इतना ज़्यादा रश है। एक सिंगल सिंगल शॉप पे बहुत ज़्यादा रश है। तो देखते हैं अभी तो कहीं खाने की जगह।
रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो ये सामने लेक है लेकिन हमें दिख नहीं रही। आपको लाइट से शायद पता लग जाएगा पानी में जो लाइट्स पड़ रही है। तो ये है यहाँ की नैनीताल की लेक। बेसिकली यहाँ पे अगर मेन एक टूरिस्ट पॉइंट देखा जाए तो वो ये लेक ही है। लोग इसी के लिए आते हैं और बाकी मॉल रोड घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं। बाकी ऊपर काफ़ी होटल्स बने हुए हैं, काफ़ी लोगों के घर है एंड सामने वहाँ पे एक मंदिर है भोलेनाथ जी का। यहाँ पे सेल चल रही है 50% ऑफ वुलन्स में शॉल्स वगैरह है जो 200 रुपीज़ में मिल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के भी कपड़े हैं, काफी कुछ है, मतलब किसी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाने। तो यहाँ पे आ गए गोलगप्पे और हम खाने वाले गोलगप्पे। यहाँ पे सूजी आने वाले हैं। सो हम रोड साइड के गोलगप्पे के लिए रेडी हो चुके हैं। दुन्ना आ चुका है हाथ में। भैया गोलगप्पा, स्ट्रीट फूड का अलग ही मजा है। चलो देखते हैं कितने देर में हमारा नंबर आता है। बहुत देर हो गई हमें यहाँ पे वेट करते हुए। आटा बोल रहे हैं, आटा और खट्टा बोला। आपको सूजी कैसे सुन गई? आटे वाला खिलाओ। अभी हमने खाया मोमोज, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। और उससे पहले खाए थे गोलगप्पे और अभी ट्राई करने वाले हैं कोई अच्छी सी आइसक्रीम विद ब्राउनी। तो अभी चलते हैं उस तरफ और पेट तो ऐसे भर गया चटपट चीजें खा के। तो मैंने ब्लॉग नहीं ले पाई क्योंकि इतना गरम गरम था, एक हाथ से फोन पकड़ा और वो सब नहीं हो पाया। बाय बाय।